हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में पहले कदम, खास करके आपके पहले कदम के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब आप अपना पहला कदम स्टॉक मार्केट में किस तरीके से रखें, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। निवेश के विश्व में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्टॉक मार्केट में आपके पहले कदम के मध्य ले जाएंगे। नमस्ते। स्टॉक मार्केट में निवेश करना पहले देखने में बहुत भयानक लग सकता है, लेकिन चिंता न करें, हम आपको इसमें मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। स्टॉक मार्केट वहाँ है जहाँ निवेशक सार्वजनिक रूप से ट्रेड होने वाली कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा खरीद लेते हैं, लेकिन पहले जब आप निवेश करने के लिए तैयार होते हैं तो अपने शोध करना बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के स्टॉक को समझें, जैसे ब्लू चिप स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक और डिविडेंड स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक उन विशिष्ट कंपनियों के शेयर्स हैं जिनके पास स्थिर कमाई और डिविडेंड का इतिहास है। ग्रोथ स्टॉक दूसरी तरफ उन कंपनियों के बारे में बताता है जो अन्य कंपनियों के समानांतर में उच्च दर से वृद्धि करने की उम्मीद रखते हैं। और डिविडेंड स्टॉक नियमित रूप से शेयरधारकों को डिविडेंड देते हैं। अगला आपको हम बता दें, एक ब्रोकरेज खाता खोलने की भी आवश्यकता होती है, जहां आप शेयर खरीदने और बेचने के लिए कई ब्रोकरेज के उपलब्ध ऑप्शंस में से किसी एक ऐसे अकाउंट को सेलेक्ट करिए जिसको कि आप अपना ब्रोकरेज अकाउंट बना सकते हैं। देन उसको प्रॉपरली इवेल्युएट करके, देन उसका ब्रोकरेज का क्या चार्जेस है उन सबको वेरीफाई करके, देन अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करके और फिर आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कुछ फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स को लगातार पढ़ते या देखते रहना। जैसे कि वेबसाइट्स, कुछ फाइनेंशियल्स आप देखते रहते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपको कंपनीज़ के बारे में वेरियस इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। कंपनी कौन सी कंपनी किस तरीके से मूव कर रही है, किस कंपनी का गवर्नमेंट चेंज, या आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल अगर कुछ भी हैपनिंग हो रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको करंट मार्केट से भी हमेशा अपना टच बनाए रखना होगा। इसके लिए न्यूज़पेपर देख पढ़ते रहना और न्यूज़ सुनते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही रिस्की पॉइंट होता है, फ्लैक्चुएशंस होते रहते हैं, तो हमेशा हमको बहुत सावधानी से इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट को हमेशा प्लान करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा लॉन्ग रन का इन्वेस्टमेंट होता है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है और वो नेचुरली हमको रिटर्न देकर जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।